ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है। जीवन धारा कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको इस 30 मिनट में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज बच्चे कहानी सुनेंगे, कहानी के बाद एक गीत और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र शास्त्र यानी बाइबल से परमेश्वर का वचन होगा। तो श्रोताओं आइए बच्चों की कहानी सुनने से पहले इस गीत को सुनते हैं। बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए गिन गिन के स्तुति करूं।
बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा प्रबल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा प्रबल, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, गिन गिन के स्तुति करूं। किसी शहर में धार्मिक प्रवृत्ति का एक व्यक्ति रहता था। उसकी इच्छा थी कि इस जन्म में चाहे जो करना पड़े लेकिन मरने के बाद उसे स्वर्ग अवश्य मिले। इसलिए वह गरीबों की सेवा करता, दान दक्षिणा देता, कमाई का अधिकांश भाग परोपकार में ही लगा देता। लेकिन जैसे जैसे उसकी परोपकार की भावना का विकास हो रहा था, वैसे ही उसमें अहंकार भी बढ़ रहा था। कोई उसकी दानशीलता पर टीका टिप्पणी कर देता तो उसके क्रोध की सीमा न रहती। एक बार एक प्रसिद्ध संत उसके घर के पास आकर रुके तो वह फौरन उनकी सेवा में उपस्थित हो गया और उनसे भी स्वर्ग जाने का उपाय पूछने लगा। संत ने उस व्यक्ति को ध्यान पूर्वक ऊपर से नीचे तक देखा और उपेक्षा से कहा, तुम स्वर्ग जाओगे, तुम तो देखकर ही लंपट मालूम पड़ रहे हो, तुम परोपकारी या दानी व्यक्ति नहीं, धर्म के ठेकेदार ज्यादा लग रहे हो। इतना सुनते ही वह व्यक्ति क्रोध से भर उठा और उसने संत को मारने के लिए डंडा उठा लिया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम में तो तनिक भी धैर्य नहीं, इतनी अधीरता और अहंकार के होते तुम स्वर्ग कैसे जा पाओगे। व्यक्ति को संत की कही हुई बातों का मर्म समझ में आ गया तो वह संत के चरणों में गिर पड़ा, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगा। उसने आगे से कभी क्रोध न करके तथा अहंकार वृत्ति के त्याग का भी प्रण किया। संत ने कहा, जिस दिन तुम सब अवगुणों से मुक्त हो जाओगे उस दिन स्वर्ग की सृष्टि यहीं पर हो जाएगी। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। श्रोताओं, इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुने, आइए ये गीत सुनते हैं।
मैं गीत गाऊं तेरे, मेरे गीतों को सुर देना, मैं रचना बनाऊं तेरी, मेरी रचना को रंग देना, मैं गीत गाऊं को रंग देना। मेरे खुदा मेरे यीशु, ओ मेरे परमात्मा, ओ मेरे परमात्मा, मैं गीत गाऊं तेरे, मेरे गीतों को सुर बनाऊं तेरी, मेरी रचना को रंग देना। मंजिल से मैं आज भी दूर हूँ, राह की थकन से मैं चूर हूँ, मंजिल से मैं आज भी दूर हूँ, राह की थकन से मैं चूर हूँ, तू ना खुदा आके बचा, रचना को रंग देना। मेरे खुदा मेरे यीशु, ओ मेरे परमात्मा, ओ मेरे परमात्मा, मैं गीत गाऊं तेरे, मेरे गीतों को सुर बनाऊं तेरी, मेरी रचना को रंग देना। भंवर में फंसी है मेरी, तूफान का भी डर है मुझे, कश्ती भंवर में फंसी है मेरी, तूफान का भी डर है मुझे, आकर बचा रचना को रंग देना। मेरे खुदा मेरे यीशु, ओ मेरे परमात्मा, ओ मेरे परमात्मा, मैं गीत गाऊं तेरे, मेरे गीतों को सुर दे।
बनाऊं तेरी, मेरी रचना को रंग देना, मेरी रचना को रंग देना, मेरी रचना को रंग देना। प्रिय रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। बाइबल कहती है मत्ती 22 में, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा पड़ोसी हरेक वो व्यक्ति है जो इस संसार में रहता है, और हमें सबको अपने समान प्रेम करना है, क्योंकि पृथ्वी एक घर है और हम उस घर में रहते हैं। हमारे दुख दर्द एक समान है, हमारे आंसू एक समान है, हमारी पीड़ा, हमारी संघर्ष सब एक समान है। मित्रों, बाइबल हमसे कहती है कि हमें प्रेम करना है, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है। आपके पड़ोसी आपके साथ कैसे भी रहे, लेकिन आप अपने पड़ोसी से प्रेम करें, उनके घरों में जाएं, प्रार्थना करें, उनके दुखों में शामिल हों, उन्हें अच्छी सलाह दें और उनके साथ मेल मिलाप रखें, प्रेम का व्यवहार रखें और छोटी छोटी बातों में अपने आप को ना उलझाएं, इधर उधर की बातें ना करें, बल्कि वही बातें करें जो परमेश्वर चाहता हो। मेरे मित्रों, प्रेम एक ऐसा शब्द है जो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता में ये बड़ा ही कठिन शब्द है। प्रेम करना काफी कठिन है, हम प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा हृदय पत्थर का बन चुका है। हम देखते हैं कि आजकल इस तरह दुनिया में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हम अपने भाइयों और बहनों के स्वस्थ, अपने सहकर्मियों की समस्याएं, परमेश्वर के सेवकों और जरूरतमंदों की आवश्यकताओं के प्रति सजग नहीं है। हम ये कहकर कि मैं परमेश्वर के साथ ठीक हूं, अपने को सही प्रमाणित करते हैं। हम देखते हैं बाइबल में कि अपने आप को धर्मी समझने वाला एक व्यक्ति आकर यीशु से पूछा कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम कर, सारे मन से, सारे हृदय से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम कर। ये प्रश्न का पूर्ण उत्तर था, पर यीशु के साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने इससे भी आगे कहा कि इसी के समान दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने प्रेम को दूसरे के पास साथ बांटें, परमेश्वर के प्रेम को। उस समय के धार्मिक फरीसी परमेश्वर के प्रति अपने कर्तव्य पूर्ण करने के जोश में मनुष्यों के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल बैठे थे। आपस में प्रेम के साथ चलना परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने का दूसरा पहलू है। आप मेरी बातें को समझ रहे होंगे। कभी कभी हम अपने उन
कर्तव्यों को भूल जाते हैं जिन्हें हमें करना है, जिन्हें हमें परमेश्वर ने आज्ञा दी है। परमेश्वर के साथ संबंध ग्रहण योग्य नहीं होता यदि मनुष्यों के साथ संबंध ठीक ना हो। एक आराधना करने वाली जीव द्वारा किसी को गंदे शब्दों में कोसना परस्पर विरोधी बात है। याकूब 3:9। जो अपने भाई को जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता तो परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता। पहला यूहन्ना 4:20-21। इसी कारण से क्यों यीशु ने परमेश्वर की भेंट चढ़ाने के पहले अपने भाई से मेल मिलाप पर जोर दिया। मेल मिलाप में दीनता और अपने आप इनकार करना होता है। मित्रों, मेल मिलाप परमेश्वर चाहता कि हम मिलकर रहें, मिलकर एक दूसरे के साथ रहें और हरेक प्रकार की कठिनाइयों को छेले सहन करे। यही मसीही जीवन है। कठिनाइयों को छेलना, सहन करना काफी कठिन बात है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस के बलिदान को सहन किया क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था। और परमेश्वर चाहता कि आप भी उसी प्रकार का प्रेम दूसरों के साथ करें। मित्रों, अगर आप दूसरों के साथ प्रेम करेंगे वो व्यक्ति भी आपसे प्रेम करेगा। लेकिन परमेश्वर कहता कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारा पड़ोसी अगर तुम्हारा दुश्मन भी ना हो तुम उससे प्रेम करो, अपने दुश्मन से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारी निंदा करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे बैरियों के लिए प्रार्थना करो। यही मसीही जीवन है। ना कि उनसे प्रेम करो जो आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी थी कि बाइबल कहती है कि जब हम पापी ही थे परमेश्वर हमारे लिए मरा। जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में थे परमेश्वर हमारे लिए मरा। आज भी हम परमेश्वर के विरुद्ध में हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करते हैं, हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हैं, हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं इस पृथ्वी पर, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमें आशीष देता है। क्या आप परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं है? क्या आपने गुनाह नहीं किया? क्या आपने परमेश्वर की उन आज्ञाओं को नहीं तोड़ा? क्या आपने अपने भाई को दर्द नहीं दिया? क्या आपने अपने घर को नरक बना के ना रखा हो? मेरे मित्रों, अगर आपका जीवन ऐसा है तो आप परमेश्वर के पास आए। हम देखते हैं कि लोगों ने जो परमेश्वर के संत थे उन्होंने मनुष्यों से मेल मिलाप पर काफी ज्यादा जोर दिया है। उनका जीवन ही ऐसा था। उनकी जीवन एक खुली किताब थी जिसको आप पढ़ सकते हैं और उस किताब में से वो सुगंध निकलती थी, एक ऐसी सुगंध कि लोग उनकी ओर खींचे चले आते थे। लेकिन आज मनुष्य के अंदर कोई सुगंध नहीं, मनुष्य के अंदर कोई प्रेम नहीं, एक ठंडापन का जीवन। लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में वो सुगंध भर सकता है। वो कहता कि मैं तुझे तराशूंगा, मैं तेरे जीवन को सोने से भी मूल्यवान बनाऊंगा। कि आप ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं
मेरे साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो प्रभु, महान प्रेम के लिए जो तूने क्रूस पर दिया। हमें शक्ति दे कि हम उसी प्रकार का प्रेम दूसरे लोगों से कर सके प्रभु, जो प्रेम तूने हमसे किया। हमारे जीवन को तू सुगंध से भर दे कि हम तेरे लोग कहला सके। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरा ईमेल आईडी है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। हमें आपके पत्रों का इंतजार है। परमेश्वर आपको आशीष दे। उम्मीद करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य लिखे, हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्टबॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। श्रोताओं, अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इस मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।